नमस्कार, मैं दिलीप कुमार, आप देख रहे हैं दूर देहात न्यूज। महाराष्ट्र में कई जिलों में होम आइसोलेशन खत्म। नए कोरोना मरीजों को अब जाना होगा कोविड सेंटर। महाराष्ट्र सरकार को कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। अब नए मरीजों को कोविड सेंटर जाना होगा, यानी होम आइसोलेशन के सहूलियत को खत्म कर दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार को कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है। अब नए मरीजों को कोविड सेंटर जाना होगा, यानी होम आइसोलेशन की सहूलियत को खत्म कर दिया गया है। दरअसल सरकार को जानकारी मिली रही थी कि होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के कारण कई जगह पर कोरोना का प्रसार हो रहा है। इस वजह से ये फैसला लिया गया कि महाराष्ट्र के उन जिलों में होम आइसोलेशन की सुविधा बंद की गई है जहां पॉजिटिव रेट 10% से अधिक है। कोल्हापुर, संगाली, सतारा और यतमाला, अमरावती और नित्यगिरी और सिंधुगढ़ और सोलापुर, अकोला और बुल्हाड़ा और वसीम, बीड़ा और गिलोचरली, अहमदानगर और उस्मानाबाद जिले में होम आइसोलेशन बंद कर दिया गया है। हालांकि बीएमसी ने अभी होम आइसोलेशन की इजाज़त दी है। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि भले ही केस कम हो रहे हों, लेकिन सावधानियां अभी बरतनी हैं। कई बार शिकायत मिल रही थी कि होम आइसोलेशन का पालन मरीज ठीक से नहीं कर रहे हैं। इस वजह से उनके घर वालों के साथ आसपास के लोग भी संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में बाकी लोग को संक्रमित से बचाने के लिए मरीजों को अब कोविड सेंटर में रहना होगा। होम आइसोलेशन को खत्म करने का फैसला उस वक्त आया है जब महाराष्ट्र में कोरोना का ग्राफ गिर रहा है। अब अस्पतालों और कोविड सेंटर पर दबाव कम हुआ है, इसी वजह से होम आइसोलेशन को खत्म करके अब नए मरीज को कोविड सेंटर में एडमिट करने का फैसला लिया गया है, जिसमें उन पर ध्यान रखा जाएगा और बाकी लोगों में संक्रमण का खतरा भी कम होगा। महाराष्ट्र सरकार ने साफ कर दिया है कि हर उम्र के लोगों के लिए होम आइसोलेशन की सुविधा बंद कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि जो लोग पहले से होम आइसोलेशन में हैं, उनके निकलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब वो जो नए केस आएंगे, उन्हें होम आइसोलेशन रहने की इजाज़त नहीं होगी, उन्हें कोविड सेंटर में रहना होगा। अभी तक महाराष्ट्र में उन कोरोना मरीजों को होम आइसोलेशन में रहने की इजाज़त दी जा रही है जो गंभीर नहीं थे और उनको ऑक्सीजन लेवल 95 से ऊपर था। पहले महाराष्ट्र में 60,000 से 65,000 तक के नए केस आ रहे थे, जो अब घटकर 20,000 तक पहुंच गए हैं। ऐसे में अब सरकार के पास बेड खाली है, इस वजह से होम आइसोलेशन को बंद कर दिया गया है। आप देख रहे हैं दूर देहात न्यूज दिलीप कुमार के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।